दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला परिसर में गणतंत्र दिवस को हुई हिंसा और पुलिस कर्मियों पर हमले वाले भीड़ का नेतृत्व करने वाले दीप सिंधु को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। दीप सिंधु को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद किसान आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले वो लगातार वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर रहा था। पता चला था कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, उसके पीछे दीप सिंधु की एक बेहद करीबी महिला मित्र है। ये महिला मित्र भारत से बाहर विदेश में बैठकर सिंधु के वीडियो को अपलोड करती है। उसके पीछे दीप सिंधु की चाल जांच एजेंसियों को भटकाने की थी। वो पेशे पर अपराधियों की तरह खेल रहा था। दोस्तों, हमारे खबर पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।